खाना कैसा? जी साहब, कैसा लगा हमारा खाना? साहब जी, और कुछ खाएंगे? नहीं नहीं। लाऊं और कुछ? नहीं। क्या हुआ साहब, अब उनकी बात कोई बुरी लगी क्या? नहीं नहीं, थैंक यू वेरी मच। तुम बिल लेके आओ। जी लाया साहब। अब देखना एक तमाशा, ये 500 का नोट है। हाँ। और ये 10 का नोट है। अब देखना ये 10 उठाएगा, 500 नहीं उठाएगा। ऐसा क्या? देख लेना खुद ही। चलो देखते हैं। छोटे, शुक्रिया साहब, आप इतनी मोहब्बत करते हैं मुझसे। ये ले, उठा ले अपनी टिप। शुक्रिया साहब। देखा फिर? वाकई यार बेवकूफ है ये, बावला सा लगता है ये तो मुझे। आज आप स्पेशल खाने के लिए लाए हैं? हाँ, खाने के साथ साथ तुम्हें एक बेवकूफ बच्चा भी दिखाता हूँ आज। अच्छा, बैठो, आता है अभी वो। क्या खाओगी आप? एज यू विश। छोटे। जी साहब, क्या खाएंगे आप? और आज तो मेम साहब भी साथ आई हैं। हाँ जी। आप क्या लेंगी? मैडम क्या देख रही हैं? अभी आया मैं। वैसे जितना आप बता रहे थे उतना बेवकूफी लगता नहीं है। तुम नहीं जानती से, बड़ा बेवकूफ है ये। ये ले, आपके लिए गरम गरम पिज्जा। और कुछ चाहिए लेके आओ। नहीं, बिल ले आओ। जी अच्छा साहब जी। ये देखो, मैंने इसके लिए टिप रखी है। ये 100 नहीं 10 उठाएगा। रियली? हाँ, उठा ले अपनी टिप। साहब बहुत शुक्रिया कि आप मेरा इतना ख्याल रखते हैं। ओके, कोई बात नहीं। रुको, ये क्या, तुमने 10 का नोट उठा लिया? क्या पागल हो तुम? ये बेवकूफी नहीं? मीम साहब, आपने कभी सोने का अंडा देने वाली मुर्गी की कहावत सुनी है? हाँ सुनी है। क्या मतलब है इस बात का? इन साहब ने मेरी हमेशा बेइज्जती की है दूसरे लोगों को साथ लाके, और इसी तरह हमेशा मुझे टिपती है। ये साहब वो सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है, और जब मैंने बड़ा नोट उठा लिया तो समझो मुर्गी कट गई। मैडम अब आप ही फैसला कर लें, तो फिर बेवकूफ कौन हुआ, मैं या फिर छोटे? किस्मत डुबे किनारे।